मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष लोठैया क्लासेस। आज हम जो है विज्ञान क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको इस चैप्टर में जो है आपके जितने भी रिएक्शन होने वाले हैं, इसमें क्या कोई भी केमिकल्स कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, या उसको हम कैसे शॉर्ट टर्म में लिख सकें, बहुत छोटे से मेथड्स के थ्रू लिख सकें और समझ सकें, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि अभिक्रिया होती क्या है, यानी कि जो हमारे रिएक्शंस हैं, जैसे चैप्टर्स में दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो जो रिएक्शन है या अभिक्रियाएं हैं उसका मतलब क्या होता है। तो जो रिएक्शंस होते हैं उसका मेन मतलब जो है वो चेंजेस, या हिंदी में हम बताएं तो उसको परिवर्तन कहा जाता है। तो कोई भी प्रक्रिया जो होती है उसमें परिवर्तन आ जाए वो हमारा जो है अभिक्रिया कहलाता है या फिर रिएक्शंस कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमने किसी कागज को जलाया, अगर हम किसी कागज को जलाते हैं तो जलने के बाद क्या होता है, वो जो है कार्बन में बदल जाता है, यानी काले रंग का हो जाता है, उससे धुआं भी निकलता है और साथ ही साथ उससे प्रकाश भी उत्पन्न होता है, जिससे हम कह सकते हैं इसमें कोई न कोई परिवर्तन हुआ, अर्थात जो कागज सफेद था वो जलने के बाद जो है काला हो गया, ये उसमें परिवर्तन हुआ। और हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं, वो पच जाता है तो वो भी अपनी पुनर्वस्था से परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में बदल जाता है। साथ ही साथ हम प्रतिदिन जो है श्वसन करते हैं और इस श्वसन क्रिया में भी हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने बाहर से वायु को अपने अंदर शोषित किया और उसको परिवर्तित कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। उसी तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे लाइफ में होती रहती हैं और इसी को हम जो है अभिक्रिया या रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक है पहला केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, तो जैसा भी हमने जाना कि अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन, सेम उसी तरह से अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कोई भी परिवर्तन जो किसी भी रासायनिक पदार्थ में होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कोई भी केमिकल हम लेते हैं उसकी अगर अवस्था में परिवर्तन आए, यानी चेंजेस इन स्टेट, चेंजेस इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये चार चीजें अगर हो रही हैं किसी भी अभिक्रिया में तो हम वो कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है वो एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जैसा कि पहला हमने बताया कि चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी किसी गैस की उत्पत्ति होती हो, और साथ ही साथ चेंजिंग टेम्परेचर यानी उसका जो तापमान हो, तापमान भी परिवर्तित हो रहा हो। अगर ये चारों चीजें हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो अभिक्रिया है वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ में अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ वह एक किसी गैस का निर्माण करता है, तो वो जो क्रिया होगी वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी बहुत लंबी कहानी हो उसको हम बहुत कम शब्दों में कह दें वो हमारा समीकरण कहलाता है, ठीक। जैसे अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में ही बात करें, अगर हम मैग्नीशियम के रॉड को यानी मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो वो जब वो जलता है तो जलने के बाद एक सफेद चूर्ण यानी सफेद रंग का चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक। तो जिसमें हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन था वो जलने के बाद जो है चूर्ण में सफेद चूर्ण में जो है परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम कहते हैं इसमें जो है कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इसी को हम जब शब्दों में कहते हैं तो हम लिखते हैं कैसे, कॉपी में हम ये लिखेंगे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जो है कलेक्ट किया, फिर उसको जो है
स्प्रिट लैंप के थ्रू जलाया और वो जलने के बाद जो सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है और वो जो चूर्ण होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये तो होगी हमारी इतनी लंबी सी बात। अब उसी को हम कितने कम शब्दों में लिख दें वो हमारा जो प्रोडक्ट्स बनेगा, यानी जो हम अगर कम शब्दों में लिख के उसको हम दर्शाते हैं वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने यहां लिखा हुआ है एनजी, एनजी मतलब ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, ओ टू ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं ठीक है तो मिल के ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं ठीक है। यानी ये जो रिएक्शन दिखाया गया यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थित में जो है मैग्नीशियम जलने का काम करता है और जल की जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है जो एक सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है ठीक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन यानी दो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में मिलते हैं और मिलकर किसी एक नए प्रोडक्ट्स का निर्माण कर देते हैं। और इसको हमने कम शब्दों में लिखा, यानी शब्दों में नहीं लिखा, हम एक सिंबल के रूप में इसको दर्शाते हैं और इसी को जो है हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में हमारे दो पार्ट होते हैं, जैसे हम एक साइड इधर देखते हैं ये हमारा जो है राइट साइड हो गया, राइट हैंड साइड हम बोल सकते हैं, और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया ठीक। जो लेफ्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट में जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो जो लेफ्ट वाले पार्ट्स हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट ठीक है, रिएक्टेंट्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक, यानी कि ये दोनों आपस में मिल के अभिक्रिया कर रहे हैं इसलिए हम इसको अभिकारक कहते हैं। और यही दोनों आपस में मिल के जो नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो हो गया हमारा प्रोडक्ट्स और इसी को हम हिंदी में उत्पाद कहते हैं ठीक। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कम शब्दों में लिख के दर्शाने की क्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जितने भी केमिकल्स हैं उसको आप आपस में मिलाते हैं तो कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट्स बनता है, और इसी को हम जब शॉर्ट टर्म्स में दिखा देते हैं तो इसको हम जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं ठीक। अब इसको लिखने की बात आती है कि हम अगर रासायनिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रासायनिक समीकरण को लिखना, यानी हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे है। जैसे इसके पहले हमने देखा कि रासायनिक समीकरण जो भी होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो हमारा लेफ्ट साइड पार्ट होता है दूसरा राइट साइड पार्ट होता है। तो दोनों साइड के जो रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको लिखते समय हम ये ध्यान देते हैं कि क्या लेफ्ट साइड में जितने हमारे रिएक्टेंट्स हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स के इक्वल हैं कि नहीं है ठीक है। जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है। यहां पर हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया और ये हमारा राइट पार्ट हो गया। लेफ्ट और राइट पार्ट हो गया ठीक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनको हमने मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और इधर लेफ्ट साइड में हम देखते हैं जो मैग्नीशियम है वो वन मॉलिक्यूल है ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना हमारा टू है। और राइट साइड में हम देखते हैं मैग्नीशियम हमारा वन है और ऑक्सीजन जो है वो भी वन है। इसका मतलब कि ये जो समीकरण है ये जो रिएक्शन है वो असंतुलित है अर्थात ये बैलेंस नहीं है ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन दिखाया गया है ये इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है मैग्नीशियम जलने का काम करता है ठीक है, और इसलिए ये रिएक्शन जो हमारा असंतुलित है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, यानी कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और आशा करते हैं कि जो हमने बताया वो आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आ गया है तो आप अपनी बुक्स को एक बार जरूर पढ़ें, और नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।